हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोबीर सॉल्यूशन। गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लोरियल कार्ड में से एक शेड बताऊंगा जो कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको जो शेड मैंने चूज किया है वो किया है 6.34। ये देखिए शेड, जो उसका शेड है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, नंबर है 6.34। ओके गाइज, यहाँ पे मैं जो दिखाऊंगा आपको वो डायरेक्ट ही करना बताऊंगा, और जो हमारी कस्टमर है उनके फ्रंट से थोड़े ग्रे हेयर भी हैं जो कि हम उसको हाइड करेंगे, और उसके साथ कौन सा बेस ऐड करेंगे वो भी नंबर में आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखाऊंगा। गाइज, इससे पहले मेरे चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के। ओके गाइस, चलिए गाइस, मैं आपको सबसे पहले बिफोर टेक्सचर दिखाता हूँ कस्टमर का, जो हमारी क्लाइंट थी उनका कैसा था। ठीक है, ये देखिए गाइस, इन्होंने वो 1 ईयर पहले हाइलाइट्स लिया था जो कि अब काफी नीचे आ चुका है। ठीक है, 1.5 ईयर पहले, 1.5 साल पहले के आसपास इन्होंने हाइलाइट्स करवाई हुई थी। ठीक है, अब इनको ग्लोबल शेड चूज करना था, जैसे कि मैंने आपको बताया वो चूज करना था, और उसी के साथ साथ इनके फ्रंट में चंक्स थे ग्रे हेयर के। ठीक है, और हमें उसको भी कवर करना था। अब मैं गाइज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है जिसको एक सटल कलर पसंद हो है करवाना, तो उसको आप 6.34 जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वो आप सजेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने 6.34 उसके साथ कौन सा वॉल्यूम रखा है। ठीक है, और उसके साथ बेस शेड हमने कौन सा ऐड करा है। यहाँ पे गाइज मैंने 6.34 के साथ 20 वॉल्यूम यूज किया, और उसके साथ बेस जो यूज किया वो किया है 5 नंबर। ठीक है, 1 ट्यूब 60 ग्राम्स की होती है। ठीक है, आप इसको पूरी निकाल लीजिए अगर आपको ग्लोबल कलर करना है। ठीक है, 6.34 को आपको ग्लोबल में फुल ट्यूब निकालनी है। ठीक है, उसके बाद आपको 5 नंबर 30% ऐड करनी हो, और जितना भी टोटल ट्यूब होगी उसका 1.5 गुना आपको यूज करना है डेवलपर, मतलब आप 20 डेवलपर यूज कर सकते हो। ठीक है, 20 वॉल्यूम से। ऑलरेडी हमारा क्लाइंट का जो हेयर है वो 5 नंबर पर था। ठीक है, तो 2 नंबर 20 वॉल्यूम वैसे ही लिफ्ट कर देता है, तो हमें इसमें ब्लीच या क्लींजिंग की जरूरत नहीं पड़ी। आप डायरेक्ट लगाओ, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा लगाना कि आपको एप्लीकेशन पहले किस लेंथ पे करनी है, फिर बाद में किस लेंथ पर आपको हेयर की एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पे देखिए मैंने पूरी ट्यूब निकाल ली थी, अब इसमें मैं डेवलपर मिक्स करूंगा। ठीक है, और इसी के साथ मैंने 30% बेस ट्यूब भी ऐड किया ताकि हमारे ग्रे हेयर भी कवर हो जाए और हमारा एक सेटल लुक 6.34 कैरामल कलर भी आ जाए। ठीक है, इसमें मोगनी इफेक्ट नहीं आता क्योंकि 6 हमारा ब्लॉन्ड है, 3 हमारा गोल्ड है, और 4 हमारा कॉपर है। ठीक है, कॉपर का हल्का सा टिंच आता है, बट माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग कलर ये आता है। आपके एज अगर 30 है, या आपका स्किन काफी फेयर है, या 20 है, 25 है, 19 है, ठीक है, आप इस कलर को करवा के देखिए गाइज, बहुत ही अमेजिंग कलर होता है ये। देखिए गाइज, आपका जो नीचे का हमारा लेंथ है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट लिफ्टिंग पर ही है, तो सबसे पहले हमने रूट्स पे एप्लीकेशन की है। ठीक है, लेकिन रूट्स पे भी गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, रूट्स पे एप्लीकेशन करने का मतलब ये नहीं कि आप स्किन से टच करो, स्किन से आपको टच नहीं करना, हाफ इंच छोड़कर आपको ये एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डार्कर टोन है वो रूट से स्टार्ट होकर मिड पर खत्म हो रहा है, तो सबसे पहले आप करेंगे रूट से स्टार्ट, और फिर उसके बाद आप करेंगे एंड्स पर कलर। ठीक है, ये देखिए गाइज, मैं यहाँ पे अभी रूट्स का बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, हाफ इंच छोड़ रहा हूँ, ये देखो आप देख भी रहोगे, मैं हाफ इंच छोड़ के कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर रूट्स पे हम इसको अप्लाई कर देंगे, स्कैल्प पे हम अप्लाई कर देंगे, तो ये वॉर्म हो जाएगा हमारा रूट्स। ऑलमोस्ट हाफ लेंथ पर मैंने कलर एप्लीकेशन कर ली थी, 30 मिनट्स इसको मैंने वेट किया कलर एप्लीकेशन को, फिर उसके बाद जो हमारे पास कलर बचा था वो हमारी जो एंड्स की लेंथ है, मिड टू एंड की, उस पर मैंने एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और इसका जो टाइमिंग रखा था मैंने 45 मिनट्स रखा था, 15 मिनट्स जो लास्ट के थे वो मैंने एंड्स पे अप्लाई किया था कलर जो हमारा था। ओके, उसके बाद हमने वॉश कराया क्लाइंट का। वॉश कराने के बाद गाइज ये देखिए कितना अमेजिंग रिजल्ट आया था। ये देखिए गाइज,
कितना कैरेमल कलर इनहेंस होके आ रहा है हमारा, कहीं से भी अनइवन नहीं लग रहा, कहीं से भी डार्कर टोन नहीं लग रही ये देखिए, और ना ही ज्यादा हमारा यहाँ पे हेयर कलर वॉर्म की साइड गया है, एकदम सेटल लुक आया। अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो आप मेरे सलून पे विजिट भी कर सकते हो, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, बाय बाय, इंजॉय दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलना गाइज। ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए बनाकर लेकर आता हूँ, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए अमेजिंग लुक आता है, आप इसमें कर्ल्स भी कर सकते हो, आप इसमें आइनिंग भी कर सकते हो, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन ये लुक एकदम सेटल आता है, ये कलर भी काफी अच्छा लगता है, ना ही ज्यादा वॉर्म की साइड जाता, ना ही ज्यादा कूल की साइड जाता, ठीक है, एकदम सेटल लुक आता है। आओ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। ओके गाइज, बाय बाय।